हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, स्वागत आपका टेक्निकल सिख में। आज जो हम टैग्स कवर करने वाले हैं वो लिस्ट टैग्स। तीन टाइप के टैग्स होते हैं लिस्ट के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बहुत ही मजा आने वाला है इन टॉपिक्स को कवर करते हुए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो के पर्पज के लिए एक नया फोल्डर बना लिया है, डॉग्स ब्लॉग। जो हमारा लास्ट टाइम वाला जो कैट्स ब्लॉग का फोल्डर था वो हम इस बार यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स हो चुकी हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आपको क्लियर सब कुछ दिखे और कंफ्यूजिंग ना लगे, इसलिए मैंने एक और फोल्डर बनाया डॉग्स ब्लॉग का। अपना डॉग्स ब्लॉग फोल्डर ओपन करेंगे और वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मैंने एक डॉग की इमेज डाउनलोड करी है और बाकी पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा खाली है। हम यहाँ पे अपना ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और जैसे ही हमारा ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगा, हम अपनी पहली HTML फाइल इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे। एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, हम उसका नाम रखेंगे homepage.html। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर ब्लिंक होना चालू हो जाएगा, हमारा होम पेज HTML क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लाइव प्रीव्यू बटन को क्लिक कर देंगे। हमारा एग्जांपल देने के लिए सेटअप जो है रेडी है। तो चलिए HTML का बेसिक कोड स्ट्रक्चर टाइप कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपको मैं लिस्ट कैटेगरी के अंदर जो एक टैग बताने वाला हूँ वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका टैग है UL, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कोई भी लिस्ट कुछ भी शो नहीं हुआ। तो अभी जो है हमने इसे बताया टैग के अंदर कि हम जो इसके अंदर टाइप करने वाले हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके अंदर हम एक और टैग यूज करेंगे, लिस्ट टैग। अभी लिस्ट टैग जो है वो तो लिस्ट टैग ही है, लेकिन लिस्ट टैग किसके अंदर है? अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक छोटा सा ब्लैक डॉट आ गया है और हम इसके अंदर लिख देते हैं एक डॉग की ब्रीड का नाम, जैसे कि जर्मन शेफर्ड। आप राइट साइड पे देख सकते हैं जो जर्मन शेफर्ड हमने लिखा है उसके साथ में एक ब्लैक छोटा सा सर्कुलर डॉट आ गया है। जैसे कि हम लिस्ट में कुछ लिखते हैं, लिस्ट बना के तो हम डॉट्स डालते हैं और उसके साथ में हम अपना जो है टेक्स्ट लिखते हैं। नॉर्मल हमें अगर पेज पे लिखना हम लिस्ट बना रहे हो, तो वैसे ही HTML के अंदर ये टैग दिया गया जो हेल्पफुल रहता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिस्ट स्ट्रक्चर्स बनाने में। अभी जैसे कि हमने एक जर्मन शेफर्ड लिखा है, अभी हम एक और डॉग की ब्रीड ऐड करते हैं, जैसे कि अब हम ऐड करते हैं लैब्राडोर। तो आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि लिस्ट क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर दो आइटम्स आ गई हैं। अब तीसरी आइटम लिखते हैं, तीसरे डॉग की ब्रीड टाइप कर देते हैं पग। अभी जो हमारी छोटी सी लिस्ट तैयार है, अब हम इस लिस्ट को हेडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखे। जैसे कि हम छोटी हेडिंग देते हैं, H3 देते हैं हम, टाइप्स ऑफ डॉग ब्रीड्स। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो हेल्पफुल रहती है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में। अभी ये जो थी, ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी आप अगर सोच रहे हो कि जो हमारे जो डॉट्स हैं इसकी जगह पे हमारे नंबर्स हों या फिर अल्फाबेट्स हों, तो वहां पे काम आती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, अनऑर्डर्ड मतलब जो ऑर्डर में नहीं है, सिर्फ उसकी जगह पे एक छोटा सा कोई सिंबल या फिर कोई निशान लगा हुआ है, कोई ऑर्डर्ड नहीं है। जैसे कि न्यूमरिक नहीं है, अल्फाबेटिकल नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, सिर्फ एक लिस्ट है। अभी हम यूज करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का जो है टैग वो है OL। अब देख सकते हैं उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है OL ऑर्डर्ड लिस्ट और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम अपने लिस्ट आइटम्स ऐड करते हैं, जिसके लिए हमारा टैग है LI टैग, मतलब कि लिस्ट टैग। और लिस्ट के अंदर हम एक और डॉग की ब्रीड ऐड करते हैं, जैसे कि पोमरेनियन। और एक और लिस्ट आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि बुलडॉग। आप राइट साइड पर देख सकते हैं अब वाली जो हमारी लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में शो हो रही है। तो यही बेसिक डिफरेंस है अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में, जो कि सेल्फ जो कि अपने नाम में ही अपना मतलब बता रहे हैं। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि ऑर्डर में नहीं है, और OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट जो ऑर्डर में है। अभी इसके अंदर हमें और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन टैग्स के अंदर। जैसे कि अब ऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर आपने इसको 1, 2, 3 ऐसे ऑर्डर को चेंज करके अल्फाबेटिकल करना तो क्या करा जाए? इसके लिए जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है टाइप एट्रीब्यूट। जैसे आप टाइप एट्रीब्यूट को एंटर क्लिक करेंगे, आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे आप किस ऑर्डर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जैसे कि अभी जो डिफॉल्ट है वो न्यूमेरिकल होता है, आप अल्फाबेटिकल करा सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट पे हमारा जो अभी लिस्ट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गई है। आप उसकी जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास रोमन्स का ऑप्शन है। अभी जो हमारी लिस्ट है वो रोमन में आ गई है, रोमन नंबर्स में आ गई है। और इसके जो बजाय हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास बेसिकली पांच ऑप्शंस आते हैं। नंबर्स का ऑप्शन जो कि डिफॉल्ट है, कैपिटल अल्फाबेट्स, रोमन नंबर्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, और उसके बाद हमारे स्मॉल रोमन नंबर्स। तो चलिए अपनी लिस्ट में हम एक और डॉग की ब्रीड को ऐड कर लेते हैं, ताकि तीन तीन के सेट में दिखे हैं, अच्छी दिखे। हम तीसरा बॉक्सर ऐड कर लेते हैं। ये तो थे हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट के पांच तरह के डिफरेंट वैल्यूज टाइप के अंदर, कि किस टाइप में आपने शो कराना है, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, रोमन, आपकी चॉइस है। ये ऐसे ही हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी ऑप्शंस हैं। उसके अंदर हमारे पास शेप के ऑप्शंस हैं, उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जो कि CSS का एट्रीब्यूट है।
मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था कि CSS के ऊपर मैं फुल फ्लेश्ड कोर्स बनाऊंगा, तो अभी आपको इतना इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम एक बार के लिए और CSS का टैग यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग, और उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है लिस्ट स्टाइल टाइप। जैसे मैं लिस्ट टाइप करूंगा, उसके बाद हमारा जो है फोर्थ नंबर पर ऑप्शन आ गया है लिस्ट स्टाइल टाइप। जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि किस वे में शो करें। जो अभी जो है वो सर्कुलर डॉट शो हो रहा है, उसके बाद जो हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाते हैं। जो बेसिक फेमस है वो चार ही है, डिस्क, सर्कल, नन, कुछ भी शो ना हो या स्क्वायर। अभी जो हमारा शो हो रहा है वो डिस्क है। डिस्क जो है वो डिफॉल्ट है, अगर आप कुछ भी यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो डिस्क शो होगा। जैसे कि अभी मैं सर्कल को एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो राइट साइड पे हमारा जो रिजल्ट है वो चेंज हो गया है, वो डिस्क से सर्कल पे आ गए हैं हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के सिंबल्स हैं। अब सर्कल सिंबल की जगह पे हम स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर को मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर हो गए हैं। तो डिफरेंट टाइप की शेप्स के ऑप्शन आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, और ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो ऑर्डर में होती हैं उनके ऑप्शंस आपके पास, जैसे कि अल्फाबेट्स और नंबर्स। तो ये जो थे हमारे थे बेसिक एग्जांपल्स लिस्ट के। अभी मैं आपको शो करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट के एग्जांपल्स। एक HR लगा लेते हैं, हम लाइन दे देते हैं अपने वेब पेज के अंदर, और इसके नीचे हम एक H3 टैग दे देते हैं हेडिंग के लिए। एक यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ऐसा है कि अगर आप कुछ छोटा सा टेक्स्ट लिखें या फिर आप कोई नाम लिखते हैं अपने लिस्ट में, अगर आपको उसे डिस्क्राइब भी करना हो साथ ही में, तो उसे कैसे करें, उसके लिए सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो टैग है वो है DL टैग, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम हमेशा की तरह जैसे कि LI टैग यूज़ करते हैं लिस्ट टैग, वो यूज़ नहीं करेंगे। इसका अपना टैग है DT टैग, मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म। आप कौन सी टर्म है जिसे लिखना चाहते हैं फिर उसे डिफाइन करना चाहेंगे आप। हम एक टर्म लिखेंगे जैसे कि बुलडॉग लिख लेते हैं, एक डॉग की ब्रीड का नाम। अभी क्या जो हमारी टर्म है लिस्ट के अंदर वो यहाँ पे शो हो गई है, लेकिन अभी हमें उसे एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं हम उसे, तो कैसे करें वो, उसके लिए हमारे पास DT के बाद टैग आता है DD, डिस्क्रिप्शन टैग है ये। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन। फिर से दोबारा D को दोबारा डिस्क्रिप्शन बोल लो, डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा तो कोई इसकी मैंने देखी नहीं कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन। बस टैग है जो ऊपर वाला जो आपने टर्म लिखी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ऊपर वाला टैग है DT डिस्क्रिप्शन टर्म, अब नीचे है डिस्क्रिप्शन। आई डोंट नो, बस ऐसा ही है जो भी है टैग। ये थोड़ा सा मीनिंगलेस लगता है लेकिन है इसका मीनिंग। अभी हम बुलडॉग को एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे कि मैंने अभी एक डॉग की ब्रीड का नाम लिखा और उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो ये ब्रीड है वो डेंजरस कंसीडर करी जाती है, दिस ब्रीड इज़ कंसीडर्ड डेंजरस। तो लेकिन आपने जो देखा होगा जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आई है, जो डिस्क्रिप्शन आई है टर्म, वो इंटेंट होके आई है थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टार्टिंग में, ताकि ऐसे देखे जो आपने ऊपर टर्म लिखी है उसे नीचे डिफाइन भी करा गया, उसके बारे में बताया भी गया। ऐसे ही जैसे हमने बुलडॉग लिखा, ऐसे ही हम एक और डॉग के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बुलडॉग को डिस्क्राइब करा थोड़ा सा, वैसे भी हम जर्मन शेफर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। DT टैग क्लोज, और उसके बाद हम लगाएंगे DD टैग डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ये वाले टैग क्या करते हैं। आप इसे बहुत सारी यूजफुल वेज में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे जो टर्म है उनको सेल्फ डिफाइन करना होता है अपने आप को, तो वो ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स से लिखने से अच्छा बेटर मुझे ये लगता है कि आप उसके लिए DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग यूज़ करें, जो कि एक लाइन छोड़ के और थोड़ा सा इंटेंट होके आपके सामने फ्रंट में लिखा था, आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत ही क्लीन वे में दिखता है, अच्छा लगता है वेब पेज हमारा काफ़ी खाली लग रहा है। मैंने एक डॉग की हमारी इमेज इस ब्लॉग के लिए डाउनलोड करी है, तो ऐसे ही एक बार डॉग की इमेज लगा लेते हैं ताकि अच्छा दिखे हमारा वेब पेज। अब ठीक लग रहा है ना थोड़ा हमारा डॉग का ब्लॉग, हमने एक कैट का ब्लॉग बनाया, अभी हम एक डॉग का ब्लॉग बना रहे हैं। आपको जो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ लिस्ट का, उसे बोलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। जैसे कि आपने एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट यूज करनी हो, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को फिट करना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस एग्जांपल के पर्पज के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम अपनी लिस्ट आइटम डाल देते हैं। लिस्ट आइटम है हमारी डेंजरस डॉग्स। अभी हमारी जो लिस्ट आइटम जो है इसके अंदर डेंजरस डॉग्स आ गया, लेकिन अभी हम चाहते हैं इस डेंजरस डॉग्स के अंदर और लिस्ट आए कि डेंजरस डॉग्स के अंदर कौन कौन सी ब्रीड्स आती हैं। डेंजरस डॉग्स को चेंज करके डेंजरस ब्रीड्स कर लेते हैं। अभी ये जो हमारी लिस्ट आइटम है इस लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर लेते हैं, और उस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट आइटम यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम डेंजरस ब्रीड्स जो हैं उनके नाम लिखने वाले हैं, तो हम लिस्ट आइटम फिर से यूज़ करेंगे लिस्ट टैग, और उसके अंदर लिखेंगे हम बुलडॉग।
और एक और लिस्ट आइटम डाल लेते हैं हम, जैसे कि बुलडॉग डेंजरस होता है और बॉक्सर लगा लेते हैं हम, और कुछ तो याद नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल समझ चुके होंगे कि हम जो लिस्ट है उनको नेस्ट कर सकते हैं आपस में, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन लिस्ट। जैसे कि अभी बुलडॉग है, अगर आप मान लीजिए बुलडॉग की और कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज, जैसे बुलडॉग में भी कैटेगरीज होती हैं, कोई ज़्यादा खतरनाक, कोई कम खतरनाक, कोई बड़ा, कोई छोटा डॉग, तो बुलडॉग के अंदर आप और सब कैटेगरीज बना सकते हो। ऐसे ही आप हर कैटेगरी की सब कैटेगरी बना सकते हो, नेस्टिंग के कोई लिमिट्स नहीं है, आप जितना चाहें उतना नेस्ट कर सकते हैं कैटेगरी के अंदर कैटेगरी। तो ये भी बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, अगर आपने कोई विकी पेज बनाना हो, कोई डिस्क्रिप्शन पेज बनाना हो, कोई कहीं पे चार्ट्स बनाने हो आपने, चार्ट के अंदर आपके बहुत ज़्यादा लिस्ट यूज़ होती हैं कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्ट है, एक कैटेगरी के अंदर कितनी सब कैटेगरीज हैं, ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा डेटा मेंटेन करने के लिए काम आती हैं वेब पेजेस के अंदर। तो हम उम्मीद करता हूँ आपको ये टैग्स समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, समझ ना आए हो, तो आप थोड़ा सा गूगल भी करें अपनी तरफ से। गूगल करने से क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स बहुत सारी वेबसाइट्स में देखने को मिलते हैं, और अलग अलग टाइप के लोगों के अलग अलग अपने व्यूज़ होते हैं। उन व्यूज़ से क्या होता है, आपका जो थिंकिंग स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड होता है, आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस दिखते हैं, आपको समझ आते हैं हम इसको किस वे में यूज़ कर सकते हैं और किस वे में और नहीं यूज़ कर सकते। तो आपको थोड़ा सा गूगल भी करना चाहिए, अपनी रिसर्च, अपना होमवर्क भी करना चाहिए, देखने के लिए कि क्या क्या और इसकी लिमिटेशंस और यूजेस हैं जो अभी तक आपके दिमाग में नहीं आई। आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप अपनी रिसर्च करेंगे तो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि जितने लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस मुझे मिलेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपना और टाइम इन्वेस्ट करूं वीडियोस बनाने में, और क्वालिटी वीडियोस बनाऊं, और ज़्यादा मेहनत करूं मैं अपने वीडियोस पे। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।